दिवाली से पहले पेपा पिग हाउस की सफाई का दिन। घर के सारे सदस्य घर का सामान बाहर निकाल के अच्छे से सफाई करेंगे। जॉर्ज ने अपना टेलीस्कोप बाहर निकाल दिया। पेपा कंप्यूटर टेबल लेकर बाहर आ रही है। डाइनिंग टेबल हटाकर रसोई की अच्छे से सफाई होगी। डैडी पिग घर का सारा भारी सामान निकालने में मदद कर रहे हैं। जितना मैंने सोचा था ये सारे बेड्स तो उससे ज्यादा भारी हैं। जॉर्ज की ड्यूटी अब बाथरूम खाली करने की है। मम्मी पिग, मैं आपका ड्रेसिंग टेबल ला रही हूँ। मम्मी पिग घर की सारी कुर्सियों को बाहर निकाल रही हैं। मम्मी पिग ने सारी कुर्सियां बेड के ऊपर रख दी हैं। फ्रिज के पीछे से सफाई करना मत भूलना। चलो फ्रिज, तुम भी बाकी सामान के साथ बाहर। इस सोफे के पीछे से अच्छी तरह सफाई करना। मैं इस पर बैठकर रोज टीवी देखता हूँ। ये घर का आखिरी सामान है। अब पेपा पिग हाउस सफाई के लिए तैयार है। पेपा पिग हाउस पूरी तरह से खाली हो गया है। अब दिवाली की सफाई अच्छे से होगी, क्योंकि घर का सारा सामान बाहर निकाल दिया है। ओहो, फ्रिज के पीछे कितनी मिट्टी है। हैं? सोफे के नीचे कितनी कीड़ियां और कॉकरोच। अब यहाँ अच्छे से सफाई करनी होगी। अरे, लगता है छत की सफाई कभी नहीं हुई। इसकी सफाई करना तो हम भूल गए। मम्मी पिग ने वैक्यूम क्लीनर से सफाई करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले वो किचन की सफाई कर रही है। जॉर्ज कॉकरोच और कीड़ियों को मारने के लिए एक झाड़ू लेकर आया है। डैडी पिग खिड़कियों और दीवारों की डस्टिंग कर रहे हैं। ये खिड़की तो हो गई, क्या और भी कोई खिड़की बाकी है? छत की सफाई मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये हो गया। पेपा पिग हाउस अच्छी तरह से साफ हो चुका है। बच्चों और मम्मी डैडी की मदद से ये घर अब चमक उठा है। सामान को घर के अंदर रखने में क्या आप मेरी मदद करोगे? लिविंग रूम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डैडी पिग का सोफा। अब बच्चों के बंक बेड की बारी। अब फ्रिज को रखते हैं। बच्चों ने इस फ्रिज को कितना खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, और अंदर भी बच्चों के लिए खूब सारा सामान है। मम्मी और डैडी पिग के बेडरूम का बेड, और ये रहा बाथरूम का बाथटब। क्या बाकी का सामान रखने में मैं आपकी मदद करूं? ठीक है, मगर ध्यान से। ओके। मुझे लगता है कंप्यूटर टेबल किचन में सही रहेगा। ओह नो। जॉर्ज ने टेलीस्कोप को घर के मेन डोर के बीचों बीच रख दिया है। अरे, ये क्या? जॉर्ज ने डाइनिंग टेबल को बाथरूम में और टॉयलेट सीट को बेडरूम में रख दिया है। मम्मी पिग, मैं आपके ड्रेसिंग टेबल को बेड पे रख रहा हूँ। मम्मी पिग, जॉर्ज ने सारा सामान उल्टा पुल्टा रख दिया है। क्या आप सामान ठीक तरह से रखने में हमारी मदद कर सकते हो? पेपा के कहने पर हम कंप्यूटर टेबल को रसोई में से निकालकर कंप्यूटर रूम में रख रहे हैं। ड्रेसिंग टेबल को बेड से नीचे उतारकर साइड पे रख दिया। डाइनिंग टेबल जाएगा अपनी सही जगह पर, यानी कि किचन में। टेलीस्कोप की सही जगह छत पर है। इसको दरवाजे से हटाकर हम वहीं पे रख देंगे। यहाँ से हम दूरदर्शक की मदद से चांद को और तारों को नजदीक देख सकते हैं। और टॉयलेट सीट जाएगी बाथरूम में। इसका बेडरूम में कोई काम नहीं। ये दो कुर्सियाँ डाइनिंग टेबल के पास जाएंगी। यहाँ पर
पेपा और जॉर्ज बैठकर अपना नाश्ता करते हैं और इस कुर्सी को हम रखेंगे कंप्यूटर टेबल के सामने। बिल्कुल सही, दिवाली की सफाई के बाद घर बिल्कुल साफ हो गया है और सामान भी अपनी सही जगह पे रख दिया गया है और घर के सारे सदस्य अब थक हार कर सो गए हैं।